हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द फ्लेवरफुल एक्सपीडिशन। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल द फ्लेवरफुल एक्सपीडिशन में। आज हम बनाने जा रहे हैं फ्राइड राइस और गोभी मंचूरियन। फ्राइड राइस बनाने के लिए हमने राइस को पहले से ही उबाल के रखा हुआ है। उबालते वक्त उसमें हमने ऑयल डाला था ताकि राइस स्टिकी ना हो। राइस को हमने खुले बर्तन में उबाला था। हमने यहाँ पे एक बर्तन ले लिया है जिसमें हमने ऑयल डाल के रखा है। ऑयल को गर्म होने के बाद उसमें हम राई, अदरक, कटा हुआ प्याज, कटा हुआ लहसुन, हरी मिर्च, गाजर, पत्ता गोभी और मटर डाल, ये सारी चीज़ें डाल के हमें स्टर फ्राई करना है इसको। गाजर मटर को अच्छे से पकने देना है। थोड़ी सी हींग ऐड कर दी है। हींग आप इनिशियली ऐड कर सकते हैं, मैं भूल गई थी इसलिए मैंने अभी ऐड कर दी है। नमक ऐड कर देंगे, नमक से सब्ज़ियाँ थोड़ा जल्दी पकेंगी। नमक ऐड करके हम इसको चला देंगे। जब तक हमारी सब्ज़ियाँ पक रही हैं फ्राइड राइस के लिए, हम मंचूरियन की तैयारी कर लेंगे। मंचूरियन के लिए मैंने गोभी, पत्ता गोभी को छोटा छोटा काट के उसमें गाजर, प्याज ये सब मिला के उसमें थोड़ा सा मैदा मिलाया है और थोड़ा सा नमक मिलाया है और उस सबको एक थिक पकोड़े जैसा पेस्ट बना करके हम यहाँ पर छोटे छोटे बॉल्स में इसको डाल देंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक पकने देंगे तेल में। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। यहाँ हमारा फ्राइड राइस का मिक्सचर पक चुका है। मैंने इसमें जीरा डाला है, जीरा पाउडर। इसमें आप थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। पनीर के स्लाइसेस ऐड कर देंगे लंबे लंबे काट के। ये फ्राइड राइस में हमें क्रंची फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए पत्ता गोभी को हमें पूरा एक साथ नहीं डालना है स्टार्टिंग में, तो मैंने थोड़ा सा बचा के रखा था, वो वापस से ऐड कर दिया है। और उसके बाद हम डाल देंगे राइस जो मैंने ऑलरेडी बॉईल करके रखे हुए हैं। ये सारी चीज़ें डालने के बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स कर देना है और फ्लेम को एकदम स्लो रखना है ताकि नीचे से जले ना। ऊपर से मैंने फ्राइड काजू डाले हैं। काजू एकदम ऑप्शनल हैं, आपको चाहिए अच्छे लगते हैं तो आप डाल सकते हैं। और मैंने प्याज यहाँ पे गोल्डन ब्राउन करके रखी हुई थी, आप ये डालिए। ये प्याज को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, प्याज ज़रूर डालिए इस तरीके से गोल्डन ब्राउन करके। हमारा फ्राइड राइस बन के तैयार है। एंड में हम ऐड कर देंगे स्प्रिंग अनियन, और स्प्रिंग अनियन ऐड करके भी हम उसको मिक्स कर देंगे। बाकी बचा हुआ प्याज जो गोल्डन ब्राउन करके रखा हुआ था वो भी हम ऐड कर देंगे। और लास्ट में मैंने डाले हैं पुदीने के पत्ते। पुदीने के पत्ते बहुत ही रिफ्रेश्ड फ्लेवर देते हैं। यहाँ पे हमारे मंचूरियन बॉल्स पक के तैयार हैं। ये प्रॉपर बॉल्स की शेप में नहीं है बट इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। आपको चाहिए तो पेस्ट को और भी गाढ़ा करके इसको प्रॉपर बॉल्स के शेप में कर सकते हैं। मंचूरियन का सेकेंड लॉट मैंने डाल दिया है। जब तक ये पकता है तब तक हम एक पेस्ट बना लेते हैं। उसके लिए हमने स्टार्च लिया है, मेज स्टार्च। आप चाहें तो कॉर्नफ्लावर भी ले सकते हैं, दोनों एक ही काम करते हैं। मेज स्टार्च लेकर के मैंने पानी में लगभग एक स्पून इसको मिक्स कर लिया है। मैं इसको अच्छे से फेंट लूँगी ताकि कोई भी लम्स ना पड़े। और इसी में हम ऐड कर देंगे सोया सॉस। आप सोया सॉस अलग से भी डाल सकते हैं, इसके साथ में अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो एक साथ घोल में चला जाएगा, जो कि हमें
इसकी जो ग्रेवी होगी उसकी कंसिस्टेंसी को गाढ़ा करने के लिए हेल्प करेगा। मंचूरियन बॉल्स हमारी बनके तैयार हैं। अब हम इसी कढ़ाई को यूज़ करेंगे और इसमें मैं डाल दूँगी कटा हुआ लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, प्याज, ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ ही हम ऐड करेंगे लंबा कटा हुआ पत्ता गोभी, थोड़ा सा सेजवान सॉस ऐड कर रही हूँ। चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे। नमक स्वाद अनुसार डाल लेंगे। इस मिक्सचर को ज़्यादा देर के लिए पकाना नहीं है, बस थोड़ा सा चलाने के बाद में हम ऐड कर देंगे मेस स्टार्च का जो सॉल्यूशन हमने बना के रखा था सोया सॉस के साथ में। इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए उबलने देंगे और देखेंगे कि यहाँ पे हमारा मिक्सचर गाढ़ा होने लगेगा। अब हम इसमें विनेगर ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा खट्टापन के लिए थोड़ा सा ही विनेगर हमें ऐड करना है। लगभग 1 स्पून विनेगर मैं ऐड कर रही हूँ। मंचूरियन की ग्रेवी हमारी बनके तैयार है। अब हम ऐड कर देंगे मंचूरियन बॉल्स और इसे थोड़ी देर के लिए, जस्ट 5 मिनट के लिए और पकाएंगे ताकि ग्रेवी अंदर सोक हो जाए बॉल्स में। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग घटा और बढ़ा सकते हैं। जैसे ही हमारा मंचूरियन बनके तैयार है, एंड में हमें डालना है कटा हुआ पत्ता गोभी और स्प्रिंग अनियन। हमारा मंचूरियन और फ्राइड राइस बनके तैयार है। प्लेटिंग के लिए मैंने लिया है एक पत्ता गोभी, पत्ता गोभी के ऊपर ही मैं प्लेटिंग करने वाली हूँ। आप कैसे भी इसे प्लेटिंग कर सकते हैं और इस रेसिपी को एंजॉय कीजिए। मंचूरियन फ्राइड राइस की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, बनाइए, खाइए और मुझे बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। खाते रहिए, मुस्कुराते रहिए।